अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है चिकन पुलाव। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्म पैन में 5-6 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और इसमें 1 केजी चिकन डालकर मिक्स कर दें। अब इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें और इसको कवर किए बगैर पकाएं यहाँ तक कि चिकन का सारा पानी ड्राई हो जाए। इसमें अब 1/2 कप क्रिस्पी फ्राइड अनियन, 1/2 कप टोमेटो पेस्ट और 2 ग्रीन चिलीज डालकर मिक्स कर लें। पुलाव के लिए मसाला तैयार करना है, उसके लिए 1 टेबलस्पून जीरा, 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 5-6 लौंग और 1.5 स्टिक दालचीनी की लेकर सभी मसालों को दरदरा सा ग्राइंड कर लें और साथ ही इसको डाल दें। अब इसमें 2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालकर 3-4 मिनट के लिए भून लें। अब हम इसमें डाल रहे हैं 4 कप पानी और इसको मिक्स करके 3-4 मिनट के लिए ढक दें। आप इस बात का ख्याल रखिएगा, जितनी क्वांटिटी आप राइस की लेंगे उसकी डबल क्वांटिटी का आपने पानी लेना होगा। 2 कप चावल डालकर हमने इसको मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इसको तब तक पकाना है कि चावल पानी से ऊपर नज़र आने लग जाए। फिर आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर चावलों को ढककर 15 मिनट के लिए दम लगा देना है। मज़ेदार सा गर्मा गर्म चिकन पुलाव तैयार है।